मेरे दोस्तों, मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करिए। एयर सिटीज वालों ने चार्ट को प्रिपेयर नहीं किया। स्टेशन पर आने के बाद भी मुझे टिकट कंफर्म नहीं है। इस मैसेज 139 को मैसेज कीजिए। जय हिंद दोस्तों, एक नया दिन और एक नया ब्लॉग। ठीक है, आज मैं जो जाने वाला हूँ हड़प्पा टू हैदराबाद, और ये वीक में कितने दिन ट्रेन चलती है। 2024 में अपनी लाइफ में एक चीज़ ऐड होने वाली है, वो भी बहुत जल्द मैं आपको दिखा दूंगा। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो मोनिटाइज हो चुका है। इस ट्रेन को रिकमेंड किया था अपने रिहान ने, क्योंकि इस रोड को मैंने कवर नहीं किया था। बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं आपको स्टेशन पर। दोस्तों, यहाँ पर खड़ी है अपनी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है। अशफाक सर भी आ गए, सरप्राइज मिल गया मेरे को। और ये रिहान रिकमेंड करे थे ये ट्रेन से जाओ बोल के। और वीक में 3 डेज चलती है ट्रेन, जैसे कि संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। 3 डेज यहाँ से हड़प्पा से निकलती है काजीपेट जंक्शन के लिए, और वहाँ से निकलती है मंडे, थर्सडे, सैटरडे। 3 दिन वहाँ से चलती है। बाय। वेल दोस्तों, 3:30 पर एग्जैक्टली अपनी ट्रेन हड़प्पा से निकल चुकी है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है ट्रेन। उतना खास नहीं है, छोटा ही स्टेशन है। अभी ये रीडेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप लोग, काफी काम चल रहे हैं। देखिए हड़प्पा सर। दोस्तों, ये अप्रोमेक्स चलती है, ट्रेन की जो स्पीड है 55 से 100 तक चलती है। ठीक है, हड़प्पा से निकलती है 3:30 को, और हाजीपेट जंक्शन पर आपको पहुंचा देगी 6:45। आप लगभग एक 20 मिनट आधा घंटा भी लेट मानिए, 7:30 तक आपको पहुंचा देगी। वेल दोस्तों, मैंने बुक किया है 3rd AC। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से चार्जिंग का साकेट भी मिल जाएगा आपको चार्जिंग भी करते हुए, और यहाँ पर रीडिंग लाइट है, इसमें इस तरह से उठाना है आपको। ठीक है, इससे मटेरियल लिफ्टिंग होता है, मतलब ट्रेनों में इसमें ही लोडिंग करते हैं। साथ साथ दोस्तों, पहला स्टेशन है अपना डाउन जंक्शन। ठीक है, यहाँ से चेन्नई के लिए अलग लाइन निकलती है, और अपनी जो गाड़ी नंबर है 17013। ठीक है, और यहाँ पर डाउन जंक्शन पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है। और इस स्टेशन को स्टार्ट किया था वर्क 1858 से स्टार्ट किया, 1859 तक कम्प्लीट किया। वेल दोस्तों, मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करिए, क्योंकि ये लोग हैं ना IRCTC वालों ने चार्ट को प्रिपेयर नहीं किया था। मुझसे भी गलती नहीं हुई, चार्ट को ये लोग प्रिपेयर नहीं करें। इसके लिए मैं स्टेशन पर आने के बाद भी मुझे टिकट कंफर्म नहीं है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 1139 को टेक्स्ट मैसेज किया। टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मुझे पता चला, डायरेक्ट मुझे मैसेज आ जाएगा, आप जो नंबर है आपके टिकट बुक करे वही नंबर से आप टेक्स्ट मैसेज 139 को मैसेज कीजिए, अपना PNR नंबर। आपको तुरंत सीट पता चल जाएगी कौन सी आपकी सीट है, कौन सा कोच है। वेल दोस्तों, डाउन जंक्शन पर तो ज़्यादा देर नहीं रुकी अपनी ट्रेन, सिर्फ 2 मिनट्स रुकी है, और यहाँ पर स्टेशन पर 20 मिनट्स डिले चल रही है अपनी ट्रेन। सनसेट होते हुए क्या प्यारा मंजर लग रहा है गाइस, लाजवाब। जाने के लिए हम बहुत सारे चीज़ों से जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन का जो सफ़र है बहुत ही मज़ा आने वाला है। हर चीज़ को, हर नेचर को एंजॉय करते हुए जा सकते हो आप। ठीक है, और ये टिकट मुझे पड़ा 850 रुपीज़ जहीराबाद के लिए। अगर आप हैदराबाद के लिए निकालोगे 1000 आपको पड़ जाएगा। वेल दोस्तों, केम पर रुक चुकी है अपनी ट्रेन। ऑफिशियल स्टॉप तो ये नहीं है यहाँ पर, शायद आगे की लाइन क्लियर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर स्टॉप किए लोग।
चलो जी, मिल चुका है सिग्नल, निकल चुकी है अपनी ट्रेन। ये क्या है दोस्तों इतना रेड रेड, पता नहीं क्या बना है इसको। इसी के साथ साथ दोस्तों अपना दूसरा स्टॉपेज है, 179 किलोमीटर पहुंच चुके हम लोग और टाइम से 30 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन। और ये स्टेशन का नाम है खुर्दवाड़ी रेलवे स्टेशन, और ये स्टेशन को बिल्ड किया था 1897 में, आने का नंबर 1703 और आने का नंबर है 17014। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपना तीसरा स्टॉप आ चुका है बारसी टाउन करके, ठीक है। यहाँ स्टेशन पर लाइट नहीं रही है, अपना तीसरा स्टॉप जा रहा है अभी, ठीक है, बारसी टाउन करके। यहाँ पर स्टेशन पर इस साइड में लाइट थोड़ी डिम है, उस साइड में है स्टेशन पर, मेन स्टेशन पर। और बारसी टाउन रेलवे स्टेशन को बिल्ड किया था 1 अगस्त 1895 में, ठीक है। टाइम से अपनी ट्रेन डिले चल रही है, अभी तक का अपना जो सफ़र हो चुका है 216 किलोमीटर तक हम लोग कर चुके हैं अभी तक सफ़र। वेल दोस्तों कुछ इस तरह से है, ठीक है, पानी भी आ रहा है इसमें और यहाँ पर मिरर। और इस ट्रेन को काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके डोर है ना काफ़ी टूट चुके हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, क्योंकि इसके डोर काफ़ी ओल्ड, मतलब जगह जगह पर बांध के रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, एमरजेंसी ब्रेक हैमर काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों अपना चौथा स्टॉप हम पहुंच चुके हैं, ये है अपना उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन। वेल दोस्तों अभी तक की जो अपनी जर्नी हो चुकी है 253 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और समय से 30 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन। उस्मानाबाद का स्टेशन कोड है UMD। निकल चुकी है दोस्तों यहाँ से भी ट्रेन उस्मानाबाद से, और अगला अपना स्टॉप आने वाला है लातूर। लातूर यहाँ से 80 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपना पाँचवा स्टॉप पहुँच चुके हैं हम, 332 किलोमीटर की जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है अपनी। और ये स्टेशन लातूर जो स्टेशन है इसको ओपन किया था, देख सकते हो आप यहाँ पर लातूर स्टेशन को ओपन किया था, क्या था 1897 में, और इसको रिबिल्ड किया था 2003 में। बराबर टाइम पे पहुँची फ्रेंड्स, 2 मिनट डिले हुआ सिर्फ, और उस्मानाबाद से लातूर तक काफ़ी तेज़ लेके आए हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग लातूर रोड पर पहुँच गए, 63 किलोमीटर की अपनी जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है। लातूर अलग है, लातूर रोड अलग है। लातूर जो रोड है ना, आसपास में खेड़े गांव बहुत सारे लगेंगे। मेरा कोच बहुत आगे है, बहुत सामने है, और पीछे काफ़ी ट्रेन है, ठीक है। स्टेशन कहीं और है, अपना प्लेटफॉर्म पूरा सामने फ्रंट पे है। लाइट न रहने की वजह से मैं स्टेशन पर नहीं उतर पा रहा हूँ। हड़पसर से लेकर जो खाजीपुर जंक्शन चलती है ट्रेन, टोटल 16 स्टॉपेज के साथ में ट्रेन चलती है अपनी। इसी के साथ साथ दोस्तों अपनी ट्रेन सातवें स्टॉप पर स्टॉप हुई है उदगीर, ठीक है। हर स्टेशन पर 1 मिनट है, लातूर और लातूर रोड पर 5 मिनट दिया है। 395 किलोमीटर की अपनी जर्नी अब तक की कंप्लीट हो चुकी है अपना लातूर। दूसरा है अपना बीदर, कर्नाटक के सिर्फ 2 स्टॉप से पास होती है अपनी ट्रेन, ठीक है। ये 2 स्टॉप होने के बाद तेलंगाना शुरू हो जाता है जहीराबाद से। बीदर से जहीराबाद का जो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर या 31 किलोमीटर का पड़ जाएगा। ठीक है, साथ साथ दोस्तों अपना ये 9वां स्टॉप है, ऑफिशियल स्टॉप है यहाँ पर बीदर का, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने वाली थी ट्रेन 11:20 पर, और यहाँ पर पहुँची ट्रेन 12 को बराबर, 40 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन। अभी तक की जो जर्नी हुई ना दोस्तों मेरी, 479 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 1932 में स्टार्ट करें बोर्ड गेज लाइन को बीदर से। ऐसे घर जाने की जो खुशी होती है ना दोस्तों, तमाम खुशियों से अलग होती है। और यहाँ तक का जो मेरा सफ़र हो चुका है 508 किलोमीटर, मतलब 508 किलोमीटर की मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई। अभी तक का जो इसका स्टॉप है 10वां स्टॉप है, और सुबह में मॉर्निंग आपको खाजीपेट जंक्शन पर ये पहुँचा देगी 7 बजे। और ट्रेन यहाँ पर डिले पहुँची, 50 मिनट डिले पहुँची ट्रेन यहाँ पर, ठीक है। अगला स्टॉप अपना विकाराबाद रहेगा, उसके बाद रहेगा अपना विकाराबाद लिंगमपल्ली बेगमपेट, फिर उसके बाद सिकंदराबाद बोनगिरी जनगांव, लास्ट खाजीपेट, ठीक है। आपको 7 बजे पहुँचा देगी वो ट्रेन। सफ़र करके काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, और मेरे छोटे भाई आकर मेरा वेट कर रहे हैं, हर बात स्टेशन के बाहर ही है। इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह के मज़ीद वीडियो मैं लाता रहूँगा।